हेलो दोस्तों, मैं निशान सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किससे रिलेटेड है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि आफ्टर ट्वेल्थ मतलब ट्वेल्थ करने के बाद जो बेस्ट जॉब्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और कैसे उसका प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं, ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसमें मैं आप लोग के बीच टॉप 5 जॉब्स को लेके आया हूँ, आप लोग को इसमें क्या क्या करना है और कैसे क्या करना है वो सारा मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए 5th नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जिसे मैं आप लोग को बीच 5th नंबर पे रखा हूँ वो है आप लोग का SSC CHSL। ये सेंट्रल वैकेंसी है, SSC इसको कंडक्ट कराता है और ये वैकेंसी साल में एक बार जरूर आते हैं और लगभग 5000 प्लस वैकेंसीज पर ईयर आते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसे आप लोग 12th के बाद भर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट होता है वो 18 से 27 साल होता है। तो इसका एज लिमिट आप लोग को बता दिया मैंने, 18 से 27 साल होता है। तो अगर आप लोग 12th कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग का एज 18 प्लस हो गया है तो आप लोग ये वैकेंसी भर, ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। SSC में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है मैं आप लोग को बता देता हूँ सिंपल रूप से, कि आप लोग को मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा और GK पढ़ना पड़ेगा। इसमें सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 सेक्शन होते हैं, यानी कि टोटल आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन होगा और ये 100 क्वेश्चन आप लोग के बीच दो मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन, यानी कि आप लोग का टोटल 200 मार्क्स का होगा। तो ये 200 मार्क्स के होते हैं और इसके इसमें आप लोग का कट ऑफ निकलता है, उसको आप लोग अगर कट ऑफ क्रॉस कर दिए तो आप लोग का Tier 1 कंप्लीट हो जाता है। CHSL के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि CHSL जो अभी से पहले होता था, यानी कि 2021 तक जो CHSL की वैकेंसीज हैं उसमें आप लोग के बीच Tier 1 सेम यही होता था, Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव होता था। क्या होता था? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव जो कि अभी जो 2022 की वैकेंसी आई है उसमें से डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया है और इसमें जो है Tier 2 में भी सेम यही सब है, बस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा घटा दिए गए हैं, बाकी चारों सेक्शन यही हैं। तो उसका मैं अभी इसमें बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको इस जॉब के बारे में अच्छे से मतलब अगर आप लोग को तैयारी करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसे स्किप करते हैं और सेकंड प्रेफरेंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर पे मतलब कि जो 4th नंबर पे मैं आप लोग के बीच लेके आया हूं, 4th नंबर पे एयरफोर्स आप लोग को पता ही होगा एक्स और वाई दो ग्रुप में आता है। एक्स मतलब हो गया टेक्निकल, जिसे साइंस स्ट्रीम के बच्चे भर सकते हैं, वही वाई होता है जो नॉन साइंस मतलब कि साइंस वाले भी भर सकते हैं और नॉन साइंस भी भर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा जॉब है, इसमें आप लोग 17 प्लस आप लोग का एज हो गया और 12th कंप्लीट है तो आप लोग ये एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग का जो एक्स होता है वो टेक्निकल होता है और वाई नॉन टेक होता है, तो इसमें साइंस स्ट्रीम वाले भर सकते हैं, जो कि बच्चे साइंस से साइंस बैकग्राउंड से वो एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वाई के लिए भी वो कर ही सकते हैं। वहीं जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है वो दोनों में से बस वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा जॉब है, इसमें भी सैलरी अच्छी खासी है तो इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस भी काफ़ी हल्का होता है, आप लोग जल्द ही कवर कर सकते हैं। तो एयरफोर्स आप लोग के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि 12th के बाद मैं एक साल के अंदर जॉब ले लूँ तो आप लोग के लिए एयरफोर्स काफी अच्छा रहेगा। और इसमें क्या बोलते हैं, ये आप लोग का साल में 2 बार आप लोग का वैकेंसी आता है तो ये आप लोग के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है 12th के बाद। तो इसे मैं आप लोग को बीच 4th नंबर पे रखा हूं। अब आप लोग के बीच 3rd नंबर पे जो वैकेंसी है वो है SSC स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के बारे में मैं डिटेल में बताने से पहले ये बता दूं कि जिन बच्चों का मैथ्स वीक है तो उनके लिए ये जॉब सबसे बेस्ट है,
क्योंकि इसमें मैथ्स होता ही नहीं है। आप लोग अगर सीबीएसई से हैं या फिर जो बच्चे इंग्लिश पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो और आसान होगा ये जॉब लेना, क्योंकि इसमें इंग्लिश अच्छी खासी पूछी जाती है, इंग्लिश रीजनिंग और जीके, ये तीन सेक्शन आप लोग कंप्लीट कर लिए जिसमें इंग्लिश का ज्यादा रोल है इसमें। तो अगर ये तीनों सेक्शन आप लोग कंप्लीट कर लिए तो आप लोग स्टेनोग्राफर का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आप लोग को अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो स्टेनोग्राफर में आप लोग के बीच आप लोग को एक कोर्स कंप्लीट करना होगा, वो होता है शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड अगर आप लोग कंप्लीट कर लिए, इसे अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो शॉर्ट हैंड आप लोग का 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये भी एसएससी कंडक्ट कराता है और पर ईयर इसमें वैकेंसीज आती हैं, तो वैकेंसीज के लिए टेंशन नहीं लेना है कि आप लोग शॉर्ट हैंड कर लिए, सीख लिए और स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसीज ही ना है। तो मैं ये बता दूं पहले कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आप लोग को पर ईयर आती है। अगर एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को मैं बता दूं स्टेनोग्राफर की वैकेंसी स्टेट लेवल पे भी निकलती है, और मतलब हाई कोर्ट वगैरह या फिर कोई कोई भी ऑफिस में स्टेनोग्राफर की जरूरत होती है तो वो लोग भी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज निकालते हैं। तो अगर आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं तो उन सब वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो 12th के बाद और 18+, इसमें 18 से 27 इसमें भी है। तो अगर 18+ आप लोग का एज है, अगर आप लोग का 17 भी एज है तो अभी से मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अभी से तैयारी कीजिएगा तो 18+ होते होते आप लोग शॉर्ट हैंड कंप्लीट कर लीजिएगा, सिलेबस भी कंप्लीट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग चाहे चाहिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसका पे स्केल भी अच्छा है, लेवल 4 का जॉब है, पे लेवल 4 का जॉब है, तो इसमें भी आप लोग की अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। तो इसे मैं आप लोग के बीच 3rd नंबर पे रखता हूँ। तो ये हो गया एसएससी स्टेनोग्राफर। इसके बाद मैं आप लोग के बीच जो 2nd नंबर पे ला रहा हूँ, इस वैकेंसीज के बारे में आप लोगों ने पहले बहुत कम ही सुना होगा क्योंकि ये 2021 में ये वैकेंसी आई ही है, 2021 में ये वैकेंसी आई है। इसका नाम है देख लीजिए, यूपी SSSPET। हर साल आप लोग के बीच ये एग्जाम लिया जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि गवर्नमेंट ऊपर से अलाउ कर दी है कि मतलब सीईटी एक एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आप लोग को इस सब के बारे में, इस सब का एग्जाम पहले प्री दिया जाता है, फिर मेंस निकालना पड़ता है, उसके बाद होता है। तो सीईटी अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन लागू होने का काफी संभावना है कि बहुत जल्दी वो लागू हो जाएगा। तो अभी तो सीईटी नहीं लागू हुआ है, लेकिन अभी जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये लोग अपना राज्य में सीईटी लागू कर दिए हैं, उसी में से है UP SSSPET। तो ये पीईटी का एग्जाम आप लोग को हर साल देना पड़ेगा, मतलब कि हर साल इसमें निकलता है, एग्जाम होता है हर साल। तो पीईटी का आप लोग के बीच एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोग को एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। स्कोर कार्ड में आप लोग का नंबर होगा कि आप लोग कितना नंबर लाए हैं, और उसमें आप लोग का परसेंटाइल स्कोर भी होगा। परसेंटाइल स्कोर क्या होता है वो मैं बता दूं कि परसेंटाइल स्कोर हो गया, मान लीजिए एग्जाम में अगर आप लोग 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है और उसमें से आप लोग टॉप, मतलब कि आप लोग 9 बच्चों से आगे, मतलब कि 9 बच्चों से ही पीछे हैं, तो आप लोग का जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो 91 हो जाएगा। वहीं आप लोग 10 बच्चों से पीछे हैं तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो 90 हो जाएगा। तो परसेंटाइल स्कोर इसमें आप लोग को बीच दिया जाता है। उसके बाद पूरे साल जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं UP SSSPET के अंतर्गत, उसमें जो सबसे अच्छी वैकेंसी है वो है लेखपाल। लेखपाल के अलावा भी और बहुत सारी वैकेंसीज इसमें निकलती हैं। तो इसमें अगर आप लोग पीईटी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग को इसका प्री देना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग मेंस में बैठिएगा, मेंस का तैयारी कीजिए, और अगर आप लोग मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग को काफी अच्छा जॉब मिल जाएगा। और यूपी की वैकेंसी है, यूपी की वैकेंसी है, तो आप लोग, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यूपी की वैकेंसी है तो इसे सिर्फ यूपी वाले भर सकते हैं, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप लोग ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं, कहीं से 10th किए हैं, कहीं से 12th किए हैं, कोई लेना देना नहीं इसको। ये फॉर्म आप लोग भरिए, आप लोग आराम से पीईटी दे के
मेंस दे के आराम से जॉब ले सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है ये। साल में एक बार आप लोग को पीटी देना पड़ेगा और उसके अंतर्गत हर साल बहुत सारी वैकेंसीज भर भर के निकलती हैं, जिसमें लेखपाल जो है ये ट्वेल्थ के बाद बहुत ही अच्छा जॉब मैं इसको मानता हूँ। इसका पे स्केल काफ़ी अच्छा है, वर्क आप लोग को बहुत कम करना पड़ेगा, ऑफिशियल ड्यूटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से इसे ले सकते हैं। तो सेकेंड नंबर मैं इसको देता हूँ आप लोग के बीच कि ट्वेल्थ के बाद आप लोग को तैयारी करना है। और जो फर्स्ट नंबर मैं आप लोग के बीच दे रहा हूँ, ये एग्जाम के बारे में आप लोगों ने काफी बच्चों ने सुना होगा, कितने बच्चों ने तो एक अटेम्प्ट दे भी दिया होगा और कितने बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि इसका तैयारी मैं करूंगा। तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो होता है यूपीएससी एनडीए। एनडीए आप लोग सभी बच्चे इसका नाम सुने होंगे, एनडीए काफी अच्छी जॉब है और इसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल रैंक की जॉब ले सकते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में। तो एनडीए का देखिए, आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो एनडीए का तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगा, सेम सिलेबस रहता है, बस आपको एक्स्ट्रा में जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब मैथ्स वही रहेगा, इंग्लिश वही रहेगा। तो एनडीए का तैयारी करने के लिए बस आप लोग जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं, और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग इसके बारे में सुने ही होंगे और कितने बच्चों ने एक दो अटेम्प्ट अपना बर्बाद कर भी दिया होगा या फिर कुछ बच्चे अपना एक दो बार निकाल भी चुके होंगे। तो एनडीए का तैयारी करने के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है, इसमें आप लोग को पे स्केल भी अच्छा है और ये आप लोग क्या बोलते हैं 17 प्लस से आप लोग भर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये भी। तो अगर आप लोग एनडीए का तैयारी करते हैं तो आप लोग को मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आप लोग को कैसे क्या करना है। तो अगर आप लोग को जो भी जिस वैकेंसीज के बारे में आप लोग को पता करना है कि आप लोग को इसके बारे में डिटेल जानना है, मान लीजिए एयरफोर्स के बारे में या स्टेनोग्राफर के बारे में, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस वैकेंसीज के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप लोग को जानना है, कैसे तैयारी करें, कौन कौन से बुक्स पढ़ें, कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज से तैयारी करें और कैसे आसानी से जॉब हम ले सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। तो यही था आज के वीडियो में। देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा एक ही था कि जो YouTube पे वीडियोस हैं वो 2-3 साल पुराने हैं कि 12th के बाद आप लोग को क्या करना चाहिए। तो कुछ बच्चे हैं जो कि हमको मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, इस पर आप वीडियो बनाइए। तो उसी से मैं आप लोग के बीच ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि जो पिछले वीडियोस हैं उसमें पुरानी वैकेंसीज है, जैसे ये वैकेंसीज 2021 में आई है तो इसके बारे में किन्हीं ने नहीं बताया, तो ये वैकेंसी इसीलिए मैं ऐड किया हूँ ताकि इससे भी आप लोग रूबरू हो जाइए कि आप आखिर ये UP SSC PET क्या है। वही CHSL का पैटर्न चेंज हो गया, तो यही रीज़न था आप लोग के बीच ये वीडियो बनाने का, क्योंकि पता ही है बिहार में अभी 12th का एग्ज़ाम हुआ है, तो 12th का एग्ज़ाम हुआ है तो काफ़ी बच्चे जो है 12th के बारे बाद सोचने लगते हैं कि आखिर आगे हमको करना क्या है। तो वही आप लोग को क्या करना है मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया। इसके अलावा भी आप लोग को कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी के डाउट्स का अच्छे से जवाब दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा आप लोग को कि आप लोग को क्या करना चाहिए। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।